ना दिन देखा ना रात देखी, ना अपने परिवार को देखा। आपके साथ इतनी पब्लिक, आपके साथ भाई साहब दिन रात साथ है, रहेंगे ऐसे और हम लगातार मेहनत करते रहे, लेकिन चलो कुछ कभी रही होगी, हम टिकट की लड़ाई आ गई। लेकिन जिस तरह से हमने 5 साल तक मेहनत की, कोई भी व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आया हमने उसको खाली हाथ नहीं जाने दिया। संजय अग्रवाल जिंदाबाद। दिनों से हमारे संजय अग्रवाल जी विचार कर रहे थे कि सभी माइंड में लेकर बैठे हुए थे, सभी को दुख था भाई हमें जो हमारी मेहनत थी वो हमें नहीं मिल पाई, उसका सभी को दुख है। वो छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, या बड़ा पदाधिकारी हो, कोई भी है, सभी को दुख है इस चीज का। लेकिन हमारे सर ने हर दिन वो पल, हर दिन लगातार वो फिर भी मेहनत कांग्रेस पार्टी के लिए करते रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के हम सब सिपाही हैं। किसान ने हमारे छोटे भाई ने कहा, बात तो दुख की है कि 5 साल से सभी साथी मेहनत कर रहे थे, लेकिन बात ये है दूसरी कि अगर टिकट नहीं मिला तो जैसे और बागी कैंडिडेट हो गए। अग्रवाल जी ने ये सोचा कि ये मौका है, पर्चा भर दें, लेकिन 10 साल की मेहनत मेरी भी और कार्यकर्ताओं की भी खराब जाएगी। तो अपनी जो पोजीशन थी जनाब ने वो कायम रखी और पर्चा नहीं भरा, और इससे हमें ये फायदा हुआ कि जो कांग्रेस मैन के लोग थे, जो हमारे साथी हैं, वो वहीं के वहीं रहे। कुछ लोग हमारी इस टीम से टूटे हैं, उनका भी हमें ज्ञान है अच्छी तरीके से। चंद लोग यहाँ से चले गए हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10-20 हजार रुपये कोई कैंडिडेट किसी को दे दे वो भलाई नहीं होती। जब तक आपका कोई सीनियर लीडर आपके साथ ना हो, या सामने वाले को इस बात का पता ना हो कि ये आदमी किस टीम का है और किसके साथ, तो हम अग्रवाल जी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, आज भी हैं। और इस मीटिंग में हम लोग यहाँ 10 बजे पहुंचे, मालूम हुआ कि प्रोग्राम 10 बजे का था, तो ये भी बहुत अच्छा हुआ कि यहाँ सभी लोगों से बातचीत हुई है। और दिल को एक बात की बड़ी खुशी है कि इतने सारे लोग इस पोजीशन में भी अग्रवाल जी के साथ हैं, और टिकट अगर मिल जाता फिर तो बात ही कुछ, फिर तो पता नहीं कितने लोग होते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ से जो आदेश मिले उसे मानो, और उसका बेनिफिट ये है कि सरकार आ जाएगी, आप किसी के साथ जुड़े हो वो आपकी बात रख सकता है, एक आदमी अलग अलग जाके अपनी बात नहीं मनवा सकता। यूं तो लीडर क्या क्या कहेंगे छोड़ो, लेकिन एक साथी भी अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, हम जो सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो सब संजय अग्रवाल जी की टीम है, और हम सब इलेक्शन से पहले भी इनके साथ थे और अब भी इनके साथ हैं। टिकट चाहे किसी को मिली हो या हाईकमान का फैसला है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से जो हमारे संजय अग्रवाल जी हमें कहेंगे हम उसी पे अमल करेंगे, और हमें उसी पे ही अमल करना चाहिए, क्योंकि जो भी साथी जुड़े हुए हैं वो सब इनके चेहरे के साथ जुड़े हैं। हमने लगातार 5 साल इनके साथ मेहनत की है, और आगे भी इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह जो ये हमें ऑर्डर करेंगे, जो हमें हुक्म देंगे, हम उनकी तामीर करेंगे। बस यहाँ स्वागत है। संजय अग्रवाल जी को टिकट नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन टिकट हमारी फाइनल थी, रात तक भी फाइनल थी टिकट कटी, सुबह के टाइम हम लोग इकट्ठा हुए तो उस वक्त बहुत भावुक हुए, हम सब भावुक थे, लेकिन जो फैसला लिया सब ने बहुत अच्छा था, और कांग्रेस के साथ सब थे और कांग्रेस के साथ सब हैं। देखो, दिल से बड़ा जोर पड़ा, 5 साल हमने मेहनत की थी, और आज भी देखो एहसास है उसी चीज़ का कि हमारी मेहनत हमें नहीं मिल पाई,
लेकिन फिर भी हम संजय भाई के साथ थे, संजय भाई के साथ रहेंगे और तहे दिल से हमेशा संजय भाई के कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे। एक वक्त था जब संजय भाई को टिकट मिली, उस वक्त कोई टिकट लेने वाला नहीं था शहर में। जब संजय भाई के ऊपर ये बोझ डाला गया कि संजय भाई आप उठाओ, संजय भाई ने कहा मैं उठाऊंगा, और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का पार्टी का सहयोग, आप लोगों से 40,000 वोट मिले। देखो अगर आज हम संजय भाई के साथ हैं तो ये मैं समझो कि संजय भाई कोई कमज़ोर है नहीं, बहुत उससे भी ज़्यादा डबल पावर में आ चुके, क्योंकि सबको इस चीज़ का पता भी है कि संजय भाई को किस तरीके से उन्होंने एक बिल्कुल फाइनल होने के बाद पीछे कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन संजय भाई का जो और हाईकमान पार्टी का जो भी फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं, उसके साथ हैं और संजय भाई के हमेशा साथ रहेंगे। धन्यवाद। देखो जी, जीतने का मजा तो होता ही होता है पर हारने का मजा अलग ही होता है, ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कि देखो, जैसे तुमने खाटू श्याम जी का चर्चा सुना होगा और सुना होगा हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, उसी तरीके से मैं अपने बड़े भाई को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और ये वचन देती हूँ कि मैं पहले भी इनके साथ थी और अब भी पूरे ग्रुप के साथ इनका हमेशा दिल रात सहयोग। मेरे भाई दिल से ईमानदार, मेहनती, कर्मठ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये कोई नहीं है कि अगर दो जने हमेशा किसी भी स्थान पर जाएंगे तो उनमें से एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन जीतने वाले के साथ तो हमेशा दुनिया खड़ी मिलती है, हम हारने वालों के साथ है और हार के भी हम बहुत कुछ कर दिखाएंगे, यही हमारा बुलंद इरादा है। धन्यवाद। ये घोसली से हो और संजय अग्रवाल जो सर मेरे हमारे बड़े भाई हैं और हमेशा हम उनके साथ में रहेंगे और ये सच्चे ईमानदार हैं और सबकी देखभाल करते हैं और सबकी क्या नाम सुनते हैं हमारे ये सुन। आप सबके साथ रहेंगे, हमारी जो फैमिली है, हमारी जो टीम है वो सिर्फ संजय अग्रवाल के साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ में। नमस्कार भाइयों को, सबको आज जोड़ के नमस्कार। हमारे विधायक साहब बैठे हैं, इनके जो ये करेंगे हम इनके साथ हैं, हम इनका साथ देंगे, हम इन्हीं के साथ हैं और इन्हीं के साथ रहेंगे। धन्यवाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई बहने, मेरे युवा साथी जिन्होंने पिछले 5 साल से लगातार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस शहर की सेवा के लिए काम किया, जब 2019 का चुनाव हम हार गए थे उसी दिन शाम को 5 बजे से हमने एक प्रण लिया था, जिस तरह से इस शहर के अंदर अव्यवस्था फैली हुई है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से हमारे लोग लगातार अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उन सब को खत्म करने के लिए हम सब मिलकर एक नया अध्याय लिखेंगे, एक नया इतिहास रचेंगे और आप सब लोगों ने लगातार 5 वर्षों तक चाहे किसी का कोई भी राजनीतिक काम था, सामाजिक था, धार्मिक था, हमारा पूरा प्रयास रहा, हमारी पूरी टीम का, एवं उस व्यक्ति को खाली आत्मा जानने और उसी का नतीजा कि आज पूरे पानीपत के अंदर हर व्यक्ति हर पार्टी ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, लेकिन सबके जुबान पर एक ही बात है, हमारी टीम जिसके साथ जाएगी वही शहर का विधायक होगा। ये आप लोगों की मेहनत और एकजुटता का नतीजा है, हर व्यक्ति आपके मुंह की तरफ देख रहा है और हम सब लोगों ने वही निर्णय लेना है जो इस शहर की भलाई के लिए, इस शहर के लोगों की जीवन स्तर को बढ़िया करने के लिए और जो व्यक्ति इस शहर से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए काम करेगा, जो व्यक्ति हमारे जरूरतमंद लोग हैं चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उनकी बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए काम करेगा, हम उस व्यक्ति को चुनेंगे। हमारा किसी पार्टी को लेकर कोई औचित्य नहीं, अगर हम पार्टी विशेष के साथ जुड़ के रहते तो आज हम पर्चा भरकर चुनाव लड़ रहे होते, लेकिन हमारी एक ही मंशा है, अगर पार्टी ने हमारे को आशीर्वाद नहीं दिया तो भी कोई चिंता नहीं है, हमारा एक ही मकसद है पानीपत शहर के लोगों के लिए काम करना, उनकी भलाई के लिए काम करना,
हमारे युवाओं के रोजगार के लिए काम करना, हमारे जरूरतमंद जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए काम करना, हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम करना हमारा उद्देश्य है। हमारे लिए जरूरी नहीं हम शहर के विधायक होकर वो काम करें। आपने देखा पिछले 5 साल में कोई भी व्यक्ति हमारे पास आया किसी भी कार्य को लेकर, हमने उस कार्य को कराया। कोई भी सरकारी अफसर हमारे काम को मना नहीं कर सकता। ये सिर्फ इसी कारण है कि हम सब व्यक्ति मिलकर सबका मान सम्मान किया हमने, सबकी इज्जत की, और हमारा कोई पर्सनल काम नहीं है। हम अपने काम के लिए नहीं जाते किसी व्यक्ति के पास। हमारा एक ही मकसद है भाई, शहर की जो जरूरतमंद लोग हैं, जो व्यक्ति जिस काम के लिए उपयोगी, हम उस काम को करें, और उसी का नतीजा है कोई व्यक्ति हमारे को किसी काम के लिए मना नहीं करता। हम बच्चों की फीस माफी के लिए किसी स्कूल कॉलेज कहीं भी चले जाए, हर व्यक्ति हमारा मान सम्मान करता है। निगम के अंदर चले जाए, हमारे किसी भी व्यक्ति के काम के लिए कोई अफसर हमारे काम को मना नहीं करता। चाहे कोई पुलिस का काम है, कोई हॉस्पिटल का काम है, कोई किसी भी प्रकार का सरकारी कार्य है, हम जब अफसर के पास जाते हैं हर व्यक्ति मान सम्मान के साथ हमारा कार्य करता है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये सब आप लोगों की ताकत है। और मैं फिर विश्वास दिलाता हूँ, सरकार चाहे किसी की भी हो, अगले 5 वर्ष तक हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। सरकार किसी की भी हो, हम अपना काम रुकने नहीं देंगे। चाहे हमारे को किसी भी स्तर तक किसी से भी मिलना पड़े, लेकिन किसी व्यक्ति को निराश नहीं होने दूंगा। ये मैं आप लोगों से फिर वादा करता हूँ। एकता में वो ताकत है जो किसी भी व्यक्ति को झुकाने का काम कर सकती है। और मैं पिछले 10 दिन से देख रहा हूँ, जब से टिकटों का कार्य खत्म हुआ है, बहुत से नेता हमारी टीम को तोड़ने का प्रयास कर चुके हैं। लगातार हमारी टीम के लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है, कोई पैसे का प्रलोभन दे रहा है, कोई पद का प्रलोभन दे रहा है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने एकजुटता दिखाई है पिछले 10 दिन में, आप लोग सराहनीय हो, बधाई के पात्र। मैं दिल से आप सब लोगों को सलाम करता हूँ और हमेशा आप लोगों का ऋणी रहूँगा। जब तक जीऊँगा हमेशा आप लोगों के लिए कार्य करता रहूँगा। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, जब तक हम लोग एक मंच पर अगर निर्णय नहीं लेंगे, आप इसी तरह से एकजुटता के साथ एक बंधन में बंधे रहोगे। हम किसी पार्टी विशेष के साथ बंधकर कार्य नहीं करेंगे। हमारा एक ही मकसद है, जो व्यक्ति शहर की भलाई के लिए काम करेगा हम उसके साथ चलेंगे। कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हमने पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद किया। आज भी हमारी मंशा है, हम कांग्रेस पार्टी के झंडे को ऊंचा उठा के रखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यक्ति हमारे को आश्वस्त करेगा वे हम शहर की भलाई के लिए काम करेंगे, हम उसको अपना समर्थन देंगे। जिस तरह से लोगों ने मनसा अपना रखी है ना, पिछले 8-10 दिन से देख रहा हूँ मैं, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं घबराना, ना किसी प्रलोभन में आना। हम हर चीज में सशक्त हैं। पिछले 5 साल में आप कोई भी व्यक्ति बता दो पूरे पानीपत के अंदर, आप लोग तो मेरे परिवार के लोग हो, पूरे पानीपत में कोई एक व्यक्ति बता दे हमने किसी के साथ बेईमानी करा हो, किसी व्यक्ति से एक पैसा लिया हो, किसी व्यक्ति को जो हमारे दरवाजे पे है उसका काम ना किया हो। हर व्यक्ति के लिए हमने काम किया और आगे भी हम आपको आपके माध्यम से पूरे पानीपत को आश्वस्त करता हूँ, इसी तरह से हम लगातार पानीपत के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। पूरी टीम, चाहे कोई किसी भी व्यक्ति का किसी तरह का भी कार्य है, आधी रात को भी किसी व्यक्ति ने हमारे को याद किया तो उससे पहले मैं उसके कार्य के लिए खड़ा मिला हूँ। चाहे किसी से पूछ लेना, 24 घंटे मेरे फोन चालू रहते हैं, कभी मैं अपना फोन बंद नहीं करता। और फिर आप लोगों से वादा करता हूँ, आप इसी तरह से मजबूती के साथ खड़े रहना। आने वाला समय आप लोगों का है, हर व्यक्ति को आप लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, आप लोगों के सामने झुकना पड़ेगा, आप लोगों के आगे अपील करनी पड़ेगी उसको इस शहर का विधायक बनने के लिए। आपके बगैर इस पानीपत का विधायक कोई नहीं बन सकता। जिस तरह से आपने पिछले 8-10 दिन से मजबूती दिखाई है, आगे भी आप इसी तरह से मजबूत रहना। और जिसको भी हम समर्थन करेंगे एकजुटता के साथ करेंगे। 35,000 लोग मीडिया के साथ ही खड़े हैं,
आप ध्यान से सुन लो, 35,000 लोग आज भी हमारी टीम के साथ बिल्कुल तन मन धन से जुड़े हुए हैं। ज्यादा भाई साहब को, और हम इस शहर के निर्णायक भूमिका में हैं, जिसको हम चाहेंगे उसको इस शहर का विधायक बनाएंगे, और ये सब आप सब लोगों की ताकत की बदौलत है। हम बिल्कुल घबराने वाले नहीं है, बिल्कुल झुकने वाले नहीं है, बिल्कुल रुकने वाले नहीं है। पहले से ज्यादा ताकत के साथ हम पानीपत के लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, ना तो कहीं रुकेंगे ना झुकेंगे, पूरी एकता के साथ हमारा एक ही मकसद, उसमें हम हमेशा कामयाब होंगे। आप सब लोगों की बदौलत कि हमने सिर्फ और सिर्फ इस पानीपत के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है, पानीपत के लोगों की सेवा करनी है, उसके लिए हम लगातार तत्पर रहेंगे। आप सब लोग यहाँ आए, आप सब लोगों का दिल से आभार, और उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आप लोग पिछले 5 साल से मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे हो, आगे भी आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार और ताकत मुझे मिलती रहेगी, ताकि मैं इस पानीपत के लोगों की जो जरूरतमंद व्यक्ति है उनके लिए शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्य, उन सब में मैं तन मन धन से सेवा करता रहूं। यही मेरा आप लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना है, और उम्मीद करता हूं मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।